जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर एयरफोर्स मिलिट्री में 2023 वैकेंसी वीडियो का पूरा देखो। अग्निवीर में जाने वाले साथियों एयरफोर्स के लिए ये बहुत ही गुड न्यूज, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, उसका पूरा देखो और अपना भर्ती को शुरू करो, ठीक है। तो एयरफोर्स अग्निवीर 01/2024 में ये न्यू वैकेंसी को अग्निवीर वायुसेना के लिए बहुत ही अच्छा। आप अगर वायुसेना में जाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया और वैकेंसी कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग डेट 27 जुलाई 2023 से स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। आज कितना तारीख है, 12 जुलाई, तो 12 जुलाई आज है, तो 27 जुलाई से हमारा भर्ती शुरू होगी। लास्ट डेट है अगस्त महीने के 17 तारीख, 17 अगस्त 2023 में लास्ट डेट, ठीक है। तो 27 जुलाई 2023 से लेकर 17 अगस्त तक हमारा भर्ती, तो अपना एग्जाम डेट भी घोषणा कर दिया गया 13 तारीख के अक्टूबर महीने में 2023 के हमारा पहले सीबीटी एग्जाम होगा। तो गुड न्यूज बहुत सारे बच्चों का, टोटल पोस्ट यहाँ पर क्लियर नहीं दिया गया, टोटल वैकेंसी 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, अभी नोटिस नहीं दिया। तो आपका फी लगेगा भर्ती होने के लिए, SC ST के लिए 250 रुपये लगेगा, जनरल OBC EWS के लिए भी 250 रुपये लगेगा, सभी को 250 रुपया पैसा लगेगा, ठीक है, 250 रुपीज। तो आपका क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, ध्यान से वीडियो को पूरा देखो। आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास का सर्टिफिकेट, आपका अगर 50% मार्क्स है, और 12th पास का आपका अगर साइंस में मैथ फिजिक्स और इंग्लिश ये 50% मार्क्स है साइंस के सब्जेक्ट पर, तो आपको वायुसेना में भर्ती के लिए कोई भी समस्या का समाधान मिल जाएगा, आप आसानी से भर्ती हो जाएगी। अगर अदर साइंस में आपका क्वालिफिकेशन है 50 में, इंग्लिश में 50 है, और जो वोकेशनल कोर्स है उसमें 50 है, तो आपका भर्ती होने में बहुत ही सुविधा मिल सकता है। तो आपका 12th पास का सर्टिफिकेट का रिजल्ट चाहिए, अगर 12th पास आपका है साइंस डिपार्टमेंट का, तो आप अपना भर्ती कर सकते हैं। आपका एज लिमिट भी सुन लो, मिनिमम एज लिमिट 17 से लेकर 21 साल तक, 17 बच्चर 6 महीने से लेकर 18 वर्ष से 21 साल तक आपका एज होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पे स्केल भी सुन लो, पे स्केल होगा फर्स्ट ईयर में 4 वर्ष का डिग्री होगा, फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 सैलरी होगा, सेकेंड ईयर में 33,000 सैलरी होगा, थर्ड ईयर में 36,500 रुपये सैलरी होगा, फोर्थ ईयर में 40,000। तो आपको रिटायरमेंट में 10,40,000 रुपये आपको रिटायरमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका ड्यूटी अच्छा है तो आप पूरा 60 वर्ष के लिए ड्यूटी में रह सकते हैं, तो इसका वीडियो एक अलग बनाएंगे। तो इस पास का सर्टिफिकेट चाहिए। आपका फिजिकल के लिए हाइट कितना चाहिए, आपका हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर मेल के लिए, और चेस्ट चाहिए आपको 82 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को दम को लेकर खुलाना पड़ेगा, ठीक है। पुशअप आपको देना पड़ेगा 10 सीटअप देना पड़ेगा 10, और स्क्वाट्स देना पड़ेगा 20, ठीक है। 1600 मीटर रनिंग होगा, 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट टाइम दिया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा टाइम है। तो एयरफोर्स के लिए आपका गुड न्यूज़, आपका डॉक्यूमेंट्स भी सुन लो, HS पास का सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड चाहिए, और आपका पासपोर्ट साइज एक फोटो सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, और 250 रुपया पैसा। तो पहले आपका सिलेक्शन मोड होगा CBT एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल, फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आपका जॉब मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, एयरफोर्स का ये गुड न्यूज़ वैकेंसी, आपको जाने मत दो, एयरफोर्स में जाओ और देश की सेवा करो। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, जय हिंद जय भारत।